अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नबीसत किचन टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर का खट्टा। अगर घर में कोई भी सब्जी नहीं है, सब्जी खत्म हो चुकी हो, तो आप इस तरह से इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत टेस्टी रहती है ये। इसके लिए हमने लिया है 750 ग्राम्स ऑफ टोमेटोस, रफली चॉप करके रखा हुआ है, और दो ऑनियन को हमने चॉप करके रखा हुआ है, 15x20 गार्लिक, थोड़ा सा हरा धनिया। ये पाउडर जो है जीरा मेथी का पाउडर है, इसकी रेसिपी मैं अपलोड करूंगी आपको, ये मैंने कैसे बनाया है। और मैंने लिया है ऑयल, हाफ कप से थोड़ा बढ़ के ऑयल लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट, पेपर, मस्टर्ड सीड्स, ग्रीन चिल्ली, इसको मैंने बीच में से काट के रखा हुआ है, करी पत्ता और ऑनियन, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और हल्दी। अब हम एक मिक्सर जार लेके इसमें टमाटर का प्यूरी बना लेंगे और इसका ग्राइंड कर लेंगे, इस मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये जो है हम रखे हैं, ये सब तड़के में जाएगा, इसको और इसको हम ग्राइंड करके आएंगे। देखिए, अब हमने टमाटर को ग्राइंड कर लिया है और जो हरा मसाला हमने रखा था, गार्लिक, ऑनियन, कोरिएंडर लीव्स और जीरा मेथी का पाउडर हमने ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है इसका। अब हम प्रोसेस करेंगे इसका, टमाटर का खट्टा कैसे बनाएंगे इसको। हमने स्टोव ऑन करके बर्तन रखा हुआ है। अब इसमें हम हाफ कप से थोड़ा ज्यादा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को थोड़ा हीट होने देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे पेपर, उसके बाद मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स को ऐड करने के बाद इसको फूटने के लिए देंगे। अगर नहीं फूटेंगे तो ये कच्चे कच्चे रह जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको हम पहले फूटने के लिए देंगे। अब हम इसमें ऑनियन, ग्रीन चिलीज और करी पत्ता, देखिए अब ये फ्राई हो चुका है। अब फ्लेम को स्लो करके हम इसमें चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको जलने नहीं देना है, हम इसमें ये ग्राइंडेड ग्रीन मसाला ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए, अब हमारा मसाला भून चुका है। अब इसमें ये टोमेटो का पेस्ट ऐड करेंगे। ऐड करके सॉल्ट स्वाद के हिसाब से हम डालेंगे, डालकर इसको मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा वाटर, आपको ग्रेवी कितनी थिकनेस चाहिए उतना वाटर ऐड करिएगा। देखिए, हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया है, इतनी थिकनेस हमने रखी है। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। बॉईल आने के बाद भी हम 10-15 मिनट्स इसको पचाएंगे, इसकी कच्ची बास जानी चाहिए। उसके बाद आप अगर चाहो तो इसमें थोड़ी सी इमली, जब हम टमाटर ग्राइंड करते हैं ना, तभी थोड़ी सी इमली ऐड करके ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर अच्छे से बॉईल होने के बाद 2 टीस्पून विनेगर ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट में और भी बेहतर हो जाएगा टेस्ट, ठीक है। देखिए, अब हमारा टमाटर का खट्टा तैयार हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, हमारा टमाटर का खट्टा टेस्टी बन चुका है, इसको आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं या बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसको बहुत टेस्टी रहता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये टमाटर का खट्टा का प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।